स्टूडेंट्स, सो हमने अपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 8 फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करी थी। आज हम उसके बैक एक्सरसाइज में पार्ट ए और बी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। और हमें क्या करना है कि हमें जो लाइन गिवन है, जो हमें ब्लैंक्स गिवन है, उसमें हमें वर्ड्स गिवन है, उसको रीड करके फिर यहाँ पे उन्हें फिल करना है। तो सबसे पहले एक बार हम वर्ड्स को रीड करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी रीड करो। फ्रेंड्स, फैमिलीज, फन, ड्रिंक। अब फर्स्ट लाइन क्या है, फेस्टिवल्स डैश पीपल टुगेदर, यानी फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल क्या करते हैं, पीपल्स को साथ करते हैं, यानी फेस्टिवल ड्रिंक्स। फेस्टिवल जो है पीपल को साथ में लाता है, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग फेस्टिवल वी मीट आवर रिलेटिव्स एंड हम किससे मिलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज, फन। तो रिलेटिव्स तो हमारे होते हैं तो हम किससे मिलते हैं, फ्रेंड्स से। तो देन हम इसे कट कर देंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देंगे। इसी तरीके से आपको और भी फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, वो भी आपको ऐसे ही रीड करके वर्ड को रीड करना है, फिर उसे कट करना है, फिर उसे ब्लैंक पे फिल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बी पार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे, टिक राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है अगर वो सही है तो वहां पे हमें ट्रू पे टिक करना है, अगर गलत है तो फॉल्स पे टिक करना है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, नमाज इज डन ऑन ईद। क्या नमाज ईद को पढ़ी जाती है, तो हाँ ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे, पीपल मेक रंगोली ऑन ईद। अब इसमें क्या पूछा गया हमसे कि जो लोग हैं वो रंगोली ईद के दिन मनाते हैं, तो ये ठीक है गलत, बताओ। ये गलत लाइन है, यानी जो लाइन है ये फॉल्स है। तो हम कहाँ टिक करेंगे, फॉल्स पे। ऐसे ही आपको और भी जो स्टेटमेंट गिवन होगी आपको उसे केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको उसे फाइंड करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फाइंड करने के बाद आप जो भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा आपको उस पर टिक करना है, ठीक है।